उन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी सबसे मेजर इशू है कि हम उसके अंदर घुसे और फिर जब हम ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जाहिर है कि उसके लिए तैयारी होती है, फोर्सेस इकट्ठी होती है, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं होता। उनको पता होता है कि ये ऑपरेशन होने लगा है, तो वो भी ग्रुप हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अंदर आबादकार लोग बैठे हैं, वहाँ पे ज़मीनें काश अंदर हो रही हैं, इनकी फैमिलियाँ बैठी हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज ये होता है कि हम मासूम लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो इसका शिकार ना बन जाए। तो हम जब तक उनको टारगेट पहुँच के करीब ना पहुँचे, हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हम उनके उस तरह अटैक अपने जो नॉर्मल कन्वेंशनल वसाइल है उसके जरिए नहीं कर सकते। इसमें अब जो टेक्नोलॉजी की मदद है उसकी मदद से इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और एक कंबाइंड ऑपरेशन हमारा फोर्सेस के साथ और सिंध पुलिस के साथ मिलके प्लान हो रहा है, जिसके जरिए हम इनको अब इनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं AIG जनूबी पंजाब कामरान खान साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब और सिंध के दरियाई इलाके में कई दहाइयों से डाकुओं की पनाहगाहें मौजूद हैं, वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ जब चाहें जिसको चाहें अगवा कर लेते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया, अब इससे पहले पुलिस पर हमला किया गया, 12 जवानों को शहीद किया गया। कच्चे के डाकू कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं है जी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर चाहिए अभी रिसेंट जो सानियात ऊपर तले 2-3 हुए हैं उससे इंप्रेशन तो यही जाता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और इस वक्त बिल्कुल यकीनन जब नुकसान हुआ है तो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं इस वक्त। लेकिन ये इसको देखना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड कि ये इस तरह क्यों हुआ है। ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमने इनको इनके ऊपर जाके अपने पिकेट्स बनाई हैं, पोस्टें बनाई हैं। नॉर्मली ये होता था कि ये हमारे शहरी इलाकों में खासतौर पर सादकाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर में घुस के लोगों को अगवा करते थे, एक्सट्रॉशन करते थे, अगवा बराए तवान करते थे, सड़कों पे, हाईवेज पे रॉबरी करते थे। पिछले 1.5 साल से हमने इनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमारे जवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और बड़े ही मुश्किल हालात में और हार्श कंडीशंस में वो दरियाओं के अंदर बैठ के, बंदों में बैठ के, इनके जो सप्लाई रूट से जो इनके फरार के रास्ते हैं या जहाँ से लोगों को अगवा करके लेके जाते थे पता न दरियाओं पर, उनको हमने चौक किया हुआ था और यही इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा था। और बहुत सारी इनकी रिसेंटली इनके जो गैंग लीडर्स हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आ रही थी और उनमें ये बार बार मुतालबा कर रहे थे कि ये पिकटें और पुलिस ने जो चौकियां बनाई हुई हैं ये दरियाओं पे, हमारे रस्तों पे, इनको हटाएं। बुनियादी तौर पे हमने इनको बिल्कुल कन्फाइन करके रख दिया था और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर, और रिसेंटली अभी हमने 31 जुलाई को हमारा हमने इनके अंदर घुस के एक नया फिनोमेना, इनकी जब इकोनॉमी हिट हुई है, ये वारदातें एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग और रैंसम या शाहराहों पे नहीं आ पा रहे थे, तो एक नया फिनोमेना जन्म लिया और वो था हनी ट्रैपिंग का। लोगों को जो लालच में आके मुख्तलिफ चीज़ों के सस्ते होने पे, खवातीन से बातें करवा के, वो ट्रैक्टर सस्ता करके, कपड़ों का लालच सस्ता, तो बहुत सारी उसकी बिक्री करानी है, नौकरियों का झांसा दे के लोगों को, खुद लोग चले जाते थे सिंध के इलाकों में और वहाँ से फिर वो हाईजैक हो जाते थे और डक्ट हो जाते थे और वो उसके बाद वो रैंसम उनसे मांगते थे। तो इस चीज़ को हमने, इनके रूट्स को, और इसमें हमने बहुत खातर ख्वाह अपने हाईवेज के ऊपर कैंपेन चलाई है और 500 से ज़्यादा हमने लोगों को बचाया जो हनी ट्रैप होके जा रहे थे। बार वक्त हमें इतला मिल गई, हाईवेज पे हमने कैंपेन चलाई, बसों को रोक के, गाड़ियों को रोक के, बाकायदा लोगों से पूछा और कहीं पर कोई एजेंसीज के जरिए भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह का प्लान हो रहा है और ये लोग आ रहे हैं लालच में आके और फंस के, तो हमने उनको बचाया। ये इनकी इकोनॉमी रिसेंट जो हमारा वाकया हुआ कि हम हनी ट्रैप के अंदर भी आगे नहीं जा रहे थे, हमने 31 जुलाई को बकायदा हनी ट्रैप के केसेस के साथ अंदर गए और इनके 4 डाकू हलाक किए। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनकी जो बिल्कुल इनको हमने ब्लॉक करके रख दिया हुआ था, उसमें ये बार बार जो मुतालबा कर रहे थे पिकटों को हटाने का, हम पिकटों को नहीं हटा रहे थे, तो हमें ये डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए पिकटें हटाएं वरना हम आपके हिट करेंगे, ये हमारे पास रिसेंट इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं। ठीक है कामरान साहब, कच्चे के डाकों को ख़त्म करने के लिए रुकावट बेसिकली क्या है? वसाइल की कमी है, वसाइल की अगर कमी है तो इससे पहले अच्छा खासा भारी बजट लिया गया कि हमने ये ऑपरेशन करना है, लेकिन वो भी नाकाम दिखाई दिया। अफरादी कुव्वत की कमी है, जदीद असले की कमी है, बेसिकली क्या कमी है हमारे पास, वो बताइएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसको कच्चे के इलाके को समझना, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर से लोगों का अंदाज़ा नहीं है कि नॉर्मल पुलिसिंग नहीं है, ये कच्चे का इलाका भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसमें दरियाए सिंध के बहुत बड़ा पार्ट है और उसका एक लंबा एरिया है जिसमें जजीरे हैं, और जब अब ये मानसून के दिनों में जब दरियाए सिंध में पानी आता है तो उसमें बहुत सारी क्रीक्स बन जाती हैं, चैनल या नहरें आप कह लें वो बन जाती हैं और इलाके को वो इनएक्सेसिबल कर देती हैं। अब पुलिस ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मूव करना है, बेशक हमारे पास 72 बंद गाड़ियाँ हों या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हों, तो हमें उन क्रीक्स को करने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है और एक जगह तो आप कश्ती ले जाएं, आगे बार बार अपने जो व्हीकल्स हैं उनको ले जाने के लिए भी मुश्किल दरपेश। तो बुनियादी वजह जो हमारे ऑपरेशन पिछले 10-15 साल से
हुए हैं और खातिर ख्वाह कामयाबी हमें उसमें मिली है या रिस्क लिमिटेड कामयाबी मिली है, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। मार्शी एरिया है, दलदल हैं, जंगल हैं, अंदर दरख्त हैं, उन्होंने फसलें लगाई हुई हैं। अब इस दिनों में हमारी दिसंबर तक कमाद की दिसंबर जनवरी तक कमाद की फसल है जो इस वक्त एट प्रेजेंट एज ऑफ टुडे 7-8 फुट तक कमाद की फसल ऊंची हो चुकी है, तो दिसंबर तक बाज इलाकों में बहुत ही जख्मी इलाके हैं 12-16 फुट तक चली जाएगी। उन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी सबसे मेजर इशू है कि हम उसके अंदर घुसे और फिर जब हम ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जाहिर है कि उसके लिए तैयारी होती है, फोर्सेज इकट्ठी होती है, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं होता। उनको पता होता है कि ये ऑपरेशन होने लगा है तो वो भी ग्रुप हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अंदर आबादकार लोग बैठे हैं, वहाँ पे ज़मीनें काश अंदर हो रही हैं, इनकी फैमिलियाँ बैठी हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज ये होता है कि हम मासूम लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो इसका शिकार ना बन जाए। तो हम जब तक उनको टारगेट पहुँच के करीब ना पहुँचे, हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हम उनके उस तरह अटैक अपने जो नॉर्मल कन्वेंशनल वसाइल है उसके जरिए नहीं कर सकते। उनको अपर हैंड ये है कि हम जैसे ही किसी दरिया में उतरते हैं, आगे मूव करते हैं, हमारी सारी मूवमेंट उनकी नजरों में होती है, वो जंगलों में बैठ के हाइट पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं और समहाउ उन्होंने कुछ वेपन ऐसे एक्वायर कर लिए हुए जो लॉन्ग रेंज है, जो जिससे हमें डायरेक्ट टारगेट बना सकते हैं और बनाते रहे हैं सबका ऑपरेशंस के अंदर। ये मेजर इसमें इशू है, लेकिन अब इसका हल हमने निकाल लिया हुआ है एजेंसी से और वाजे पाकिस्तान से भी इसमें सपोर्ट ले रहे हैं और हम इसमें अब जो टेक्नोलॉजी की मदद है उसकी मदद से इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और एक कंबाइंड ऑपरेशन हमारा फोर्सेस के साथ और सिंध पुलिस के साथ मिलके प्लान हो रहा है जिसके जरिए हम इनको अब इनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह। कामरान साहब, अभी आपने टोपोग्राफी का जिक्र किया कि वो एक चैलेंज है यकीनन, लेकिन दूसरी जानब एक और बड़ा चैलेंज है वो ये कि पुलिस पर जो हालिया हमले हुए अगर हम वो देखें तो डाकुओं ने जदीद असलहे का इस्तेमाल उसमें किया, रॉकेट इस्तेमाल किए, तो आखिर ये जदीद असलहा डाकुओं के पास कहाँ से आ जाता है और पुलिस इस सप्लाई को रोकने में नाकाम क्यों नजर आती है? जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने वाकई ऐसा असला कर लिया है जो नॉर्मली पुलिस को भी रॉकेट लॉन्चर जा रहा है, जो पुलिस को भी नॉर्मल कंडीशंस में इस तरह अलाउड नहीं है रखना अपने पास। वो चीज़ें आ गई हैं जिससे हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है ऑपरेशंस के अंदर। हम अगर APCs में भी जाते हैं या बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भी जाते हैं तो रॉकेट लॉन्चर से अटैक होते हैं। अभी रिसेंट अटैक जो हमारे पे हुआ है इसमें भी रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहला अटैक किया है और उसके बाद फिर अपने वेपन्स जो उनके पास SMGs हैं, LMGs हैं या जो भी वेपन्स हैं उनके पास, उससे उन्होंने फिर हमारे पे अटैक किया है। तो ये वेपन जी स्मगलिंग के जरिए, डेफिनेटली स्मगलिंग के जरिए यहाँ से दरियाए सिंध की जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से कोहे सुलेमान की प्रॉक्सिमिटी बहुत करीब है और उसके दूसरी साइड पे बलोचिस्तान है और बलोचिस्तान में फिर अफगानिस्तान से जिस तरह ये चीज़ें जो जंग चलती रही है उसमें असला आता रहा है, उसके जरिए ये असला यहाँ तक पहुँच चुका है। और इसको काउंटर करने के लिए जिस तरह मैंने अब आपको कहा कि हमारी दो जो इशू, एक्सेसिबिलिटी इशू और जो वेपन का इशू, इसको दोनों को हम आर्म फोर्सेस के साथ मिलके और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके इंशाल्लाह काउंटर करेंगे और एक अच्छा ऑपरेशन, प्लान्ड ऑपरेशन के खिलाफ करेंगे। कामरान साहब, कच्चे का इलाका क्लियर कराने के लिए आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, मतलब हुकूमती सतह पर कौन कौन से ऐसे हंगामी इकदाम हैं जो सख्त करने की ज़रूरत? देखें जी, हमें जो अब सबसे अच्छी बात यह है कि हुकूमत हमारे साथ ऑन बोर्ड है, मैडम CM खुद यहाँ पे विजिट करके गई हैं, इससे पहले भी उन्होंने हमारे से डिटेल में प्रेजेंटेशंस ली हैं और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, उस पर उन्होंने सपोर्ट भी दी है। बहुत सारी फंडिंग अप्रूव हुई है जिसमें प्रिक्योरमेंट, APCs वगैरह, असला हमारा जो उनके कंपेटेबल हो वो सारा अप्रूवल मराहल में है, कुछ चीज़ें अप्रूव हो गई हैं जो हमारी प्रिक्योरमेंट में हैं। जो हमारी पिकेट, जैसे मैंने कहा कि हमने वहाँ पे जो बैठे, हम शुरू के अंदर बिल्कुल रेत के अंदर बैठे थे, रेत को खोद के रेत की दीवारें बना के वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे दरियाई पानी नहीं आता, वहाँ पे परमानेंट पिकेट्स हमारी 9 पिकेट्स रहीमियर खान में और 10 राजनपुर के इलाके में पिकेट्स बन रही हैं। हमारी जो माशके के एरिया जहाँ पे रिसेंट वाकया हुआ है वहाँ पे कैंप्स बन रहे हैं, उसमें पैसे हमें आ गए हैं, मजीद पैसे भी आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में वो पिकेट्स प्रायरिटी के बेसिस पे, मैडम CM ने उस पर प्रायरिटी लगा दी है और फंडिंग उसकी पूरी की पूरी रिलीज हो रही है, इसमें प्रायरिटी बेसिस के ऊपर वो हमारी जो है पिकेट्स मुकम्मल हो जाएंगी और हम प्रॉपर तरीके से फोर्टिफाई भी हो सकेंगे और रूट्स की जिस पे चल के ये शहरी इलाकों में आके लोगों को लूटते थे उसको मजीद हम सिक्योर कर सकेंगे और इनकी जो जिन मुश्किल हालात में इस वक्त हमारी फोर्स काम कर रही है और कुर्बानियाँ दे रही है इंशाल्लाह ताला वो ज़्यादा महफूज होंगे, ज़्यादा उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर करके उनको मोटिवेट भी हम कर सकेंगे और इन इलाकों को और आवाम को जो जिनकी खातिर ये सारी फोर्स हमारी कुर्बानी दे रही है अपनी जानों की, वो इंशाल्लाह ताला हम उनको महफूज करेंगे, अपनी फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, टेक्निकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो हुकूमत हमें सारी मंजूर हो गई है आने वाले दिनों में वो आ जाएगी, आर्म फोर्सेस की सपोर्ट हमें आ रही है, सिंध के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है, तो एक जॉइंट और कंबाइंड
प्रॉपर प्लानिंग करके रैकी करके इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन होगा। बहुत शुक्रिया आपका एआईजी जनूबी पंजाब कामरान खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और यकीनन जो स्ट्रैटेजी जिसका भी आपने जिक्र किया कि जिस पर अमल दरामद किया जाएगा, तो हमारी दुआएं हैं जी कि ये काविशें हमारी जो फोर्स है पाकिस्तान की उनकी ये काविशें रंग लाएं और ये डाकुओं का कलाकमा किया जाए, खात्मा हो जाए।